एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI क्या होता है और PM2.5 और PM10 में क्या अंतर है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि AQI जिसका फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, हिंदी में वायु गुणवत्ता सूचकांक, ये क्या होता है और इसका क्या उपयोग है, और PM2.5 और PM10 में क्या अंतर होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि सभी नए वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। और वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे हम AQI कहते हैं या फिर हिंदी में वायु गुणवत्ता सूचकांक कहते हैं, ये होता क्या है। तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, यह बाकी इंडेक्स की तरह इसमें भी कुछ कैटेगरियाँ बनी होती हैं, जिससे यह पता चलता है कि हवा की गुणवत्ता क्या है, हवा में कौन कौन से गैस घुले हुए हैं और वो मतलब कितने उसकी गुणवत्ता बेहतर है, खराब है या फिर क्या है। ठीक है, तो इसकी गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए 8 प्रदूषक बनाए गए हैं, जिनकी अलग अलग मात्राएं होती हैं कि अगर इतनी मात्रा में ये अगर हवा में मौजूद हैं तो वो सांस लेने के लिए अच्छी है या फिर खराब है या फिर बहुत खराब है या फिर सांस लेने योग्य ही नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें पता चलती है एयर क्वालिटी इंडेक्स से। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी कैटेगरियाँ बनाई गई हैं। तो जो मुख्य प्रदूषक हैं, जो मुख्य गैस हैं, जो ये बताते हैं कि ये जिससे हम ये निर्धारित करते हैं कि हम ये हवा सांस लेने योग्य है या नहीं है, तो उसमें से मुख्य 8 हैं। 8 कौन कौन से हैं? पहला है PM10, फिर PM2.5, फिर होता है PM, फिर आते हैं NO2, SO2, CO और NH3। ये 8 प्रदूषक ही हमें बताते हैं कि ये हवा सांस लेने योग्य है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब ये जान लेते हैं कि जो मुख्य हम बात हमेशा सुनते रहते हैं कि PM2.5 इतना बढ़ गया, PM10 इतना बढ़ गया, तो PM2.5 और PM10 होता क्या है, उनके बीच में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, तो PM2.5 जो होता है वो अगर हवा में 60 जो उसकी मात्रा है, 60 से अगर अधिक होती है, ठीक है, 60 से अधिक होती है तो ये सांस लेने योग्य नहीं माना जाता है। और PM10 की मात्रा अगर 100 से ज़्यादा जाती है, जो कैटेगरी बनाई गई है उसमें अगर 100 पॉइंट से अधिक जाती है तो ये सांस लेने योग्य नहीं होती है। जबकि अभी भारत के कई शहरों में इतने प्रदूषण बढ़ गए हैं कि वो 700 से 800 के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस पर काम करना चाहिए। अब बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं कि PM2.5 और PM10 में मुख्य अंतर क्या है। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर, और ये जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं या जो PM होते हैं वो छोटे छोटे बहुत छोटे ठोस कण और तरल पदार्थों से मिल करके बने होते हैं। तरल चीज़ें जैसे जिसे आप ये लिक्विफाई जो जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, जैसे तेल या ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो तरल होती हैं। तो इनसे और छोटे छोटे जो ठोस कण होते हैं उनसे मिल करके बने होते हैं ये पार्टिकुलेट मैटर, जिसे हम PM कहते हैं। अब जान लेते हैं कि PM2.5 क्या होता है। PM2.5 वो होता है जिस छोटे पार्टिकल्स की जो तरल पदार्थ और ठोस से मिलकर के बने हैं, अगर उसकी साइज, उसका जो डायमीटर है, उसका जो डायमीटर जिसे हम कहते हैं वो अगर 2.5 माइक्रोमीटर है, ठीक है, तो वो होता है PM2.5। ठीक है, 2.5 माइक्रोमीटर, जो कि हमारे बाल के, जो हमारा बाल होता है इसके डायमीटर के 3% होगा। इसे हम साधारण सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी होनी चाहिए ज़्यादा पावर वाले, तभी हम इसको देख पा सकते हैं। ये इतना छोटा होता है और इतना ही ज़्यादा हानिकारक भी। ठीक है, वहीं अगर बात करें PM10 की, तो ये क्या होता है कि यह भी वही पार्टिकुलेट मैटर होता है जो तरल पदार्थ और ठोस कणों से मिलकर के बने होते हैं। इसका जो होता है, इसमें इसका साइज 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसका जो साइज होता है वो
10 माइक्रोमीटर होता है, और यही इसका मुख्य अंतर है। ठीक है, दोनों के साइज का जो हम PM2.5 या PM10 कहते हैं, इसके नाम पढ़ने का या जो भी कहें, उसके बीच का ये मुख्य अंतर यही है। ये जो होते हैं ये भी तरल और ठोस पदार्थों से ही बने होते हैं, मगर इसका साइज जो होता है वो 10 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, अगर बात करें हवा में इनके मौजूद होने की या फिर ये कितने रहेंगे, तो जो बताया जाता है कि PM2.5 अगर 60 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर, ठीक है, अगर 60 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर में पर क्यूबिक मीटर में रहता है, तब तक ये श्वास लेने के लायक वो हवा ठीक मानी जाती है। और वहीं अगर बात करें PM10 की, तो ये 100 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर में अगर रहता है, तब तक यह ठीक है, सांस लेने के योग्य हवा सही है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ते हैं तो क्या होगा कि बहुत सारे रोग और परेशानियां शुरू हो जाएंगी, जैसे हार्ट अटैक, अस्थमा, खांसी, आँखों में जलन, इस तरीके की बहुत सारी परेशानियां बढ़ती जाती हैं। तो आज के हमारे जो देश में कई शहरों में तो इसके जो नंबर्स हैं वो 700-800 के पार पहुँच चुके हैं, तो वो कितने ज़्यादा खतरनाक होंगे उसकी अगर आप एक तरह से गणना करें, तो वो हवा सांस लेने के योग्य ही नहीं है। तो ये हमने आज के इस वीडियो में सीखा कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो क्या होता है, और PM2.5 और PM10 में मुख्य अंतर क्या होते हैं। एक बार मुख्य अंतर फिर से दोहरा लेते हैं कि PM2.5 जो होते हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, उसकी जो साइज होती है वो 2.5 माइक्रोमीटर होता है, जो कि बाल के व्यास से, ठीक है, जो बाल के डायमीटर होते हैं उसकी डायमीटर से, जो PM2.5 का डायमीटर होता है वो 3% होता है। ठीक है, तो PM2.5 का डायमीटर कितना होता है, 2.5 माइक्रोमीटर। वहीं PM10 का क्या होता है कि PM10 के जो व्यास होते हैं, जो डायमीटर होते हैं, उसकी साइज होती है 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं। और PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, जो कि ठोस और तरल पदार्थों के मिलने से बने होते हैं। अगर PM2.5 ठीक है 60 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर हो, तभी तक यह हवा सांस लेने के योग्य मानी जाती है। और उसी तरह से अगर PM10 100 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर हो, तो तब तक ही ये सांस लेने के योग्य मानी जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपके मन में कोई भी वीडियो देखने के बाद कन्फ्यूजन है, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिसे सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये टॉपिक थोड़ा सा जटिल था, इसलिए इसमें थोड़े अगर हो सकता है कहीं पर कुछ छूट गया हो, तो अगर आपको लगता है इसमें कुछ छूट गया है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिस पर आगे मैं वीडियो बनाने की या सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से बहुत